हेलो, नमस्कार सर, अमित बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। जी, सर वोडाफोन से जो जिसका सर आप सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, पोस्टपेड नंबर आप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी उस कंपनी से। हेलो। हाँ सर, उसके लिए सर मैं आपको बताना चाहता था, 999 का सर एक नया प्लान आया हुआ है तो आप वोडाफोन से बोल रहे हैं कि आइडिया से बोल रहे हैं? सर। वोडाफोन हाँ तो बोलिए। सर, वोडाफोन से बात करो तो हमने, आपने मैं आइडिया का आपको। नाम क्यों लिया? सर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पूरा नाम है सर। नहीं, आइडिया तो अलग कंपनी। आइडिया के सिम पीले होते हैं, वोडाफोन के लाल होते हैं। जी सर, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का पार्टनरशिप हो रखा है, जिसमें पहले वोडाफोन अलग होता था, आइडिया अलग होता था, और बहुत अच्छा, टाइम हो गया सर, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अब एक ही है, कंप्लीट नाम हो गया सर, वोडाफोन आइडिया अब कौन से लिमिटेड। कलर का सिम आएगा? सर सिम आपको जैसे मिल रहे हैं वैसे ही मिलते रहेंगे अभी फिलहाल। नहीं तो लाल और पीला मिक्स नहीं करोगे? नहीं, सर अभी लाल और पीला मिक्स नहीं कर रहे हैं, लाल अपनी तरफ से जा रहा है, पीला अपनी तरफ से जा रहा अच्छा, तो है। अब जो है आइडिया और वोडाफोन मिक्स हो गया। अगर हमें कोई समस्या होगी तो हम कौन से स्टोर पे जाए, वोडाफोन वाले पे या आइडिया वाले पे? नहीं सर, आइडिया के लिए आपको आइडिया आइडिया से ही जाना है, वोडा के लिए आपको वोडा में ही जाना है तो फिर दोनों मिक्स कैसे हुए? सर। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। वो दोनों मिक्स कैसे हुए? देखिए सर, कंपनी का नाम हो गया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। फायदा तो जब होना चाहिए था ना, जब लाल सिम वालों को परेशानी हो तो पीले स्टोर पे पहुंच जाए, और पीले सिम वालों को परेशानी हो तो लाल स्टोर पे पहुंच जाए, तो कोई बोझा ना हो, पब्लिक को सुविधा भी मिलती। पहले ये करो ना आप, अगर ज्वाइंट हो रहे हैं ये दोनों तो ये सलाह है भाई। ठीक है सर, मैं इस बारे लाल पीले का में भेदभाव खत्म करो सबसे पहले भाई। लाल सिम वाले पीले वाले के यहाँ जाए तो उसको पूरी सर्विस मिले, पीले सिम वाले लाल स्टोर में जाए तो उनको पूरी सर्विस मिले। इससे क्या होगा, इससे एकदम से डबल स्टोर हो जाएंगे, पब्लिक को और ज्यादा सहूलियत मिलेगी। ये क्या बात हुई, लाल वाले लाल में जाओ, पीले वाले पीले में जाओ, और हम दोनों भाई भाई हैं। नहीं सर, मैं इस बारे में एक बारी बात कर लूंगा, बिल्कुल आपने सही चलिए बताया बताइए, है। आपने हमें क्यों फोन किया? जी हम आपको कॉल कर रहे हैं सर नए प्लान की जानकारी देने के लिए। नौ सौ पुराने निन्यानवे का बंदो, एक। नहीं सर, अभी हम सब घर से काम कर रहे हैं, हम सबको इंटरनेट की ज्यादा जरूरत है अभी, तो बिल्कुल। जो 999 का नया प्लान है, इसमें हाँ, सबसे ज्यादा इंटरनेट है 150 GB डेटा। 150 GB का क्या करेंगे भाई? भाई सबसे ज्यादा इस टाइम जरूरत है राशन की, 150 GB खाएंगे क्या? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राशन की जरूरत है सर जी, हमें भी, हमारे पड़ोसियों की भी। 150 GB का क्या करेंगे, खाएंगे क्या? कोई प्लान ऐसा बताओ जिससे कॉलिंग ज्यादा मिले, पैसा कम जाए। अब आप पैसा बता रहे हो ज्यादा वाला, कोई प्लान ऐसा निकालो। हिंदुस्तान बेरोजगार हो रहा है, आपका जो ये 500 550 का प्लान है, इसको सस्ता करके पब्लिक को दो, क्योंकि लोगों की जेब का पैसा खत्म हो रहा है, आप और प्लान बढ़ाकर दे रहे हैं। जब घर बैठे बैठे कैसे आइडिया सोच रहे हो सर जी आप? ठीक है सर, हम इस बार बेरोजगारी जा रही है, लोग अपना काम धंधा छोड़ रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं लोगों की, आप प्लान महंगे करके बेच रहे हो, ज्यादा फायदे के साथ सस्ते में प्लान बेचो सर जी, सपोर्ट की जरूरत है। सब तो दान कर रहे हैं, अपना योगदान कर रहे हैं, टाटा भाई भी दान कर रहे हैं, रिलायंस भी दान कर रहे हैं, आप जो है और प्लान डबल कर रहे हैं। मेरा 500 वाला 1000 में ले लूं मैं 999 में, क्या सोच रहे हो सर जी घर बैठे बैठे? मैं 20 दिन से बेरोजगार लेटा हूँ, आप मेरा प्लान डबल कर रहे हो? नहीं सर, मैं मुझे पता नहीं इस महीने की मेरी सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, आप मेरा प्लान डबल कर रहे हो? अब जो है न्यूज़ों में तो सरकारी ये आशा बात आ गई है कि भाई कोई किसी की सैलरी नहीं काटेगा, सबको मिलनी चाहिए। एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी आके बोल देंगे तो हम गरीबों को हमारा बहुत सैलरी दे देगा, तो हम आपके प्लान भी खरीदेंगे, कोई किसी को सैलरी नहीं देगा सर जी। कोई आइडिया ऐसा सोचो घर बैठे बैठे कि लोग सस्ते में चीज यूज की जाए, चीप एंड बेस्ट होनी चाहिए चीज, सस्ता वाला सबसे ज्यादा बिकता है। अब तो बेरोजगारी आ रही है, गरीबी आ रही है, अपकमिंग गरीबी वेलकम करो उसका, सस्ते सस्ते प्लान निकाल करके। कहाँ महंगे बेचने बैठ गए सर जी आप? मैंने कुछ गलत बात तो नहीं कही?
नहीं सर, आपने बिल्कुल गलत बात नहीं कही है, आपने एकदम बिल्कुल वाजिब बात बोली है। हाँ, कोई अगर मेरे हिसाब से गलत हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, आपने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला सर। हाँ, ये लाल पीले वाली बात बड़ी ध्यान से लगना, इसको फीडबैक में आगे पहुँचाना। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। चलिए ठीक है सर जी, धन्यवाद। मेरा तो टाइम नहीं कट रहा था, अच्छा हुआ आपने 5 मिनट बात करके मेरा टाइम तो काटा। बड़े बेरोजगार पड़े भाई हम तो, बेल कोई भी बात करे, कोई भी फोन करे, मैं तो 1 मिनट के बजाय 10 मिनट बात कर रहा हूँ उससे, सबके हाल चाल पूछ रहा हूँ। तुम्हारे घर में सब ठीक है? सब ठीक है सर, सब ठीक है। कैसे काट रहे हो? बिल्कुल भाई, कुशल मंगल है, बस थोड़ी बहुत दिक्कत है, सबके साथ आती रहती है, सबके साथ आ रही है इस समय। और आपका टाइम कैसे कटता पूरे दिन? आप तो कॉलिंग करके काट देते होंगे। जी सर। बस भाई, आप जैसे लोगों की वजह से हमारा दिन कट जाता है, कॉलिंग आती रहती है तो हमारी बात होती रहती है। चलिए सर, कुछ तो कुछ काम तो है हमसे। अरे सर बिल्कुल, मेरे को ना रोज फोन करके कोई नया प्लान बता दिया करो। ठीक है बिल्कुल, मैं लूँ या ना लूँ। नहीं सर, मेरी बात सुनिएगा आखिरी, प्लीज आप मुझे रोजाना फोन करके एक प्लान बता दिया करो, मैं लूँ या ना लूँ वो अलग बात है, मगर आप कोशिश भी ना करो ये तो गलत बात है। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।